क्लास 11 स्टार्ट हो गई, सबसे पहले क्योस मचा हुआ था रिजल्ट का, अब क्योस मचा हुआ है कि स्कूल वाले तो आते हैं एक चैप्टर के दो सवाल लिखवाते हैं या एक एक्सरसाइज के दो सवाल लिखवाते हैं, कहते हैं हो गई जा ये एक्सरसाइज भी खत्म, एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाते हैं फिर बोलते हैं जा ये भी खत्म। और कभी कभी तो आते हैं चार पांच एक साथ कराते हैं और फिर बोलते हैं चैप्टर खत्म। तो स्कूल का सिलेबस जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बस मेरी बात सुन ले थोड़ा ध्यान से। अगर तू मेरी बात ध्यान से सुन लेगा ना तो तेरे को समझ में आ जाएगा तेरे को क्या करना है। कभी कभी क्या होता है क्योस इतना ज्यादा मचा होता है कि हमारे पास सोचने का वक्त नहीं होता, हम सोच नहीं पा रहे होते, हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते चीजों को। और जब प्रोसेस नहीं हो पा रहा होता है ना तो 15 अगस्त पे, 15 अगस्त आने भी वाला है, 15 अगस्त पे जो उलझा हुआ मांझा या उलझी हुई सद्दी होती है ना, जो कोने में पड़ी होती है, जिसको सुलझाने का बिल्कुल मन नहीं करता, वो वैसे ही कोने में पड़ी रहती है। और ये जो उलझने ये दिक्कतें हैं, ये उलझा हुआ मांझा या उलझी हुई सद्दी से कम नहीं है, ये भी ऐसे ही दिमाग में पड़ी हुई है। आओ इनको सुलझाते हैं, इनको समझते हैं, ये होने से हो क्या रहा है। सबसे पहले तो मैं बताता हूं आप किस सिचुएशन में एंटर करे हो इस वक्त, जब आप 11th क्लास में आए हो। तो आपके पास सबसे पहली चीज तो ये है कि सिलेबस बहुत तेज चल रहा है, और पता है कौन सा सिलेबस चल रहा है जो आपके लिए पूरी तरीके से नया है, ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा था। 9th से जब 10th में आए थे तो 9th के बहुत सारे चैप्टर 10th में देखने को मिले थे, ठीक है, लेकिन जब 10th से 11th में आए हो तो चैप्टर देखने को नहीं मिले। वैसे न्यू सिलेबस है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, इसे समझ नहीं पा रहा हूं, और ये भाग और तेजी से रहा है। मतलब मैं तुमसे कोई बोलूँ कि एक इमेज देख जल्दी से, तो वो इतनी तेज चल रही है कि मैं उसे देखूं कैसे, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, इतनी जल्दी प्रोसेस हो रहा है वो, ठीक है। लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द सिलेबस लास्ट ईयर, पर इन दिस ईयर, इस साल सिलेबस में भी बहुत सारे चेंजेस हुए, और बहुत सारे, मैं बच्चों से बात करूँ तो बच्चे तो बता रहे हैं उनके टीचर को पता भी नहीं है कि वो चेंजेस हुए भी हैं कि नहीं हुए, ये भी कमाल है ना। तो अब सुनो मेरी बात, इस इन सब से तुम्हारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो गया, तुमको लग रहा तुमको नहीं आता, तुमको नहीं आता, तुम बाकी बच्चों से कम हो रहे हो, या कोचिंग में जा रहे हो, या हमारे ही बैचेस में हो, किसी और बच्चे को जवाब देते हुए देख रहे हो, कमेंट करते हुए देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यार वो बच्चा तो ध्यान दे रहा है, जवाब दे रहा है, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। बाय द वे तुमने कोर्स ज्वाइन कर रखा है भाई साहब? नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, 3 से 4 हज़ार रुपये में लाइव क्लास डेली मिल रही है आपको, और विद फ्री डाउट इंजन। डाउट इंजन तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, तो अभी के अभी आपको डाउनलोड करो, कैल्विन लाइव ऐप है भाई, ठीक है। सेल्फ डाउट हो रहा है आप लोगों को, बैक टू द टॉपिक, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ डाउट हो रहा है, एंजाइटी हो रही है कि लोग मेरे से आगे निकल जाएंगे, लोग मेरे से आगे निकल रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं हेल्पलेस हूं, ऐसा हो रहा है भाई। सिर्फ एक काम कर, मेरी बात सुन, ओ ई, ओ ई क्या है सर? ओ ई का मतलब है बच्चों वन बाय वन ईच एंड एवरी वन, वन बाय वन ईच एंड एवरी वन। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, वन बाय वन और ईच एंड एवरी वन का मतलब क्या है? वन बाय वन एंड ईच एंड एवरी वन का मतलब ये है कि मैं एक एक चीज करूंगा और एक एक स्टेप लेकर के करूंगा। जैसे कि अगर आप लोग हमारे कोर्स में पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने एक एक चैप्टर के ऊपर पूरा पूरा टाइम दिया है बच्चों को, अच्छे से टॉपिक्स को समझा रहे हैं। पता क्या हो रहा है, क्या होता है, कभी भी आपको अगर यूं चलना होता है ना, यूं यूं जाना होता है, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ना थोड़ा सा धीमे होता है। आप लोग भी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इनिशिएशन एनर्जी देनी पड़ती है, इनिशिएशन एनर्जी जो होती है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, उसके बाद शू रिएक्शन बहुत तेजी से होती है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स करवाए हैं बहुत स्लो करवाए, और बहुत बारीकी 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 से समझा रहे हैं हम बच्चों को, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, बच्चों के ना बेसिक्स बहुत अच्छे हो गए, हमारे कोर्स में बेसिक्स बहुत अच्छे हो गए। अब क्या होगा कि जब मैं इसको स्पीड अप करूंगा, हर एक बच्चा कैच कर पाएगा, क्योंकि उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वो क्लास 11 के क्वेश्चन कर लेगा। क्योंकि उसको मैंने जब 2-3 चैप्टर करवा दूंगा तो उसके बाद उसके दिमाग में ये हो जाएगा कि ओ ये तो ईजी है, ये तो मैं कर सकता हूँ, इसके 2-3 चैप्टर कर लिए, आगे वाले भी कर लूंगा। हेयर इज द कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस आया, जैसे ही कॉन्फिडेंस आया, तुम समझ जाओ सेल्फ डाउट खत्म हो चुका है, क्योंकि उसने कुछ असलियत में हासिल किया, वो क्वेश्चन कर पा रहा है। उसके बाद एंजाइटी क्यों है, फिर एंजाइटी तो है ही नहीं। बस जैसे ही मोड चेंज हुआ, माइंडसेट चेंज हुआ, आप आग बन चुके होंगे, यू विल बिकम अ फायर, यू विल अनस्टॉपेबल, ठीक है। तो ये पावर है, अगर आप धीरे धीरे करके शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे करने से चैप्टर
चैप्टर्स भी समझ में आते हैं, फिजिक्स समझ में आने लग जाएगी, केमिस्ट्री समझ में आने लग जाएगी, मैथ समझ में आने लग जाएगी, किस लेवल की मैथ पढ़नी है, क्या पढ़ना है मैथ्स में, ये सब कुछ तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में वो बोल रहे थे, सर हमारे स्कूल वालों ने ये वाला चैप्टर करवा दिया, वो चैप्टर करवा दिया। आप पता है वो क्या बोल रहे हैं कि सर स्कूल में 5 चैप्टर हो गए और यहाँ पर हमने 2 चैप्टर किए, लेकिन ये 2 बहुत अच्छे से आते हैं। मैंने बोला बेटा अब ना 5 तक कब पहुंच जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। स्कूल वालों को सिर्फ सिलेबस पूरा करवाना है, लेकिन हमें सिलेबस समझाना है। और देखना अब ये स्पीड यहाँ पे स्पीड अप हो जाएगा, क्योंकि हर एक बच्चा अंडरस्टैंडिंग हो चुका है क्लास 11 के साथ। भाई वो तो 5 चैप्टर 5 दिन में भी करवा देंगे, तुम नहीं कर सकते, लेकिन 5 दिन में तुम्हारे लिए सब कुछ नया है, उनके लिए पुराना है लेकिन तुम्हारे लिए नया है, ठीक है। तो अगर तुम पढ़ना चाहते हो हमसे तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, पहले ही फॉर्म है, फॉर्म को जाकर फिल कर दो। अगर तुम्हें डाउट इंजन चाहिए हमारा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में दूसरा लिंक दे रखा है हमारी ऐप का, ऐप डाउनलोड कर लो। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उस दिक्कत के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर लेट चल रहा है तो उनको उसके हिसाब से चलने दो, तुम चीज़ों को अपने हिसाब से करो। कैसे करना है, तुम पहले बेसिक्स बनाओ, स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर ढंग से रज के समझ लो, उसके बाद फिर तुम स्पीड अप कर सकते हो। और कहीं पर भी पढ़ रहे हो उनके साथ साथ चलो, वहां पर एंड करते चलो उनका सिलेबस, क्योंकि दोनों चीजें कभी फॉलो नहीं कर पाओगे, किसी एक को ही फॉलो करना पड़ेगा। वहां कोई पढ़ा नहीं रहा तो यहां पढ़ा रहे हो तो यहां पढ़ लो, ठीक है बच्चों। तो मिलता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।